हेलो दोस्तों, हमारे स्टोर में एक स्प्रेवेल कंपनी का स्पेयर मशीन रिपेयर होने लगे आ रहा है। कस्टमर को बोलना यह है कि वो चार्ज ले रहा है लेकिन स्प्रे नहीं करता, ज़्यादातर करता है तो 1 मिनट और 2 मिनट में चार्ज ख़त्म हो जाता। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है मशीन पे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुमत, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सुमत यूट्यूब चैनल। चलो मशीन को खोलते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। वो मशीन का पिछले साइड की 6 स्क्रू खोल दे रहे हैं। इसके बाद बैटरी की 4 स्क्रू खोलेंगे और बैटरी को बाहर निकालेंगे और देखेंगे बैटरी कंडीशन क्या है। कस्टमर का बोलना यह है कि बैटरी 2 या 3 मिनट से फुल चार्ज हो जाता है और बैकअप नहीं देता है। वो स्प्रे ऑयल का 12 वोल्ट 12 एम्पीयर की बैटरी है। वो मल्टीमीटर से उसकी रेटिंग को चेक करते हैं क्या रेटिंग देता है। वो चलता है लेकिन 1 और 2 मिनट में चार्ज ख़त्म हो जाता है। इससे पता लगता है कि इसकी बैटरी प्रॉब्लम है। आओ बैटरी को चेंज करते हैं। बैटरी का टू वायर को काट निकल के बैटरी निकाल देते हैं और नया बैटरी लगते हैं। वो 12 वोल्टेज 9 एम्पीयर का बैटरी लगाते हैं जी सैमसंग का। वाओ लगाते हैं, बैटरी को अच्छे से घिस देते हैं क्योंकि कार्बन का समस्या ना हो। अच्छे से घिसने के बाद सोल्डरिंग मशीन की सहायता से उसको सोल्डरिंग करते हैं। ध्यान दें प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से। इसका प्लस वाला हिस्सा रेड है और माइनस वाला हिस्सा ब्लैक है। अब सोल्डरिंग करते हैं। इस पर वो पेस्ट थोड़ा सा लगा देते हैं सोल्डरिंग अच्छे होने के लिए। और शोल्डर की सहायता से थोड़ी सी शोल्डर लगा देते हैं उसके टर्मिनल पे। थोड़ा सा शोल्डर लगा देने के बाद
छोटा तार लेंगे 0.75 mm का, उसको छील लेंगे अच्छी तरह से। ध्यान दें वायर न कटे, गेज न कटे अंदर से। उसके बाद इस पेस्ट में अच्छी तरह लगा लें थोड़ी मिनट की सहायता से। इसके बाद शोल्डर वायर से शोल्डर अच्छे तरह लगा दें, मजबूती पकड़ के लिए। इसके बाद सोल्डरिंग करते हैं। ध्यान दें ब्लैक कलर माइनस होता है, इसलिए ब्लैक कलर को मैं माइनस टू पे लगाता हूँ, माइनस टर्मिनल में। अच्छे तरह सोल्डरिंग कर देता हूँ और रेड कलर को प्लस में। ध्यान दें अच्छे तरह से सोल्डरिंग करें, अच्छे क्योंकि बैटरी वाला ही किसानों का बैटरी वाला स्प्रे मशीन बहुत हीट होता है चलने के बाद, चलने के समय से बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। लूज कॉन्टैक्ट होगा तो बैकअप नहीं देगा और फायरिंग करके टायर नष्ट कर देगा। अच्छे से होल्डिंग कीजिए। अच्छे से होल्डिंग करने के बाद बैटरी वाले का तार पहचाना कौन सा तार कौन सा लगेगा, उसके लिए एक और अलग से वीडियो बना दूंगा। वो बैटरी वाला का माइनस तार है, उसको अच्छी तरह से छीन लें और वो बैटरी का अच्छी तरह से छीन लें। उसके बाद जॉइंट कर दें। प्लायर की सहायता से अच्छे से ग्राइंड करते हैं, लूज कॉन्टैक्ट ना हो ध्यान दो। इसके बाद CE2 का वायर जनरेटर एंड कैप लेंगे, वो सही होगा, लूज कॉन्टैक्ट नहीं होगा। इसके पिन टूल वो माइनस के तार को लगाएंगे और क्रिम्पिंग टूल से कैसे इस क्रिम्पिंग टूल्स के सहायता से उसको अच्छे तरफ से क्रिम्प कर लें। वो हो गया और बैटरी वाले की रस कर लें और वो कर लें। इसके बाद अच्छे तरह से जॉइंट कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद प्लायर से उस क्रिम्पिंग टूल की सहायता से अच्छे से हो जाता है। उसके बाद बैटरी को लगाते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं। इसमें अच्छे से वर्क करती है, देख लो।
रेगुलेटर से कम और बढ़ जाता है और स्विच से डायरेक्ट चलता है। चार्जिंग टेस्ट कर देते हैं, चार्जिंग होता है कि नहीं। उस चार्जर के तार को मशीन में लगाते हैं, देख दो लाइट जल गया और करंट देने के बाद रेड हो गया। चार्ज ले रहा है, यानी कि बैटरी से ही है और चार्ज ले रहा है। बैटरी को फिटिंग कर देते हैं, उसके बाद फिटिंग करते हैं बैटरी को। अच्छी तरह से टाइट कर लें। Let's try it for a minute.